बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में कलेक्ट्रेट में स्थित कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग व टेस्टिंग की जा रही है। इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग व टेस्टिंग के जरिए कोरोना के केसों में लगातार कमी आ रही है। विगत दिनों जहां एक्टिव मामलों की संख्या 2000 के आसपास हुआ करती थी, वहीं वर्तमान में जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 226 है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजकुमार ने बताया कि मरीजों को चिन्हित कर उनको होम आइसोलेशन व कोविड-19 अस्पताल के माध्यम से समुचित इलाज देकर कोरोना के मामलों में कमी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन भी कोरोना मामलों में आई कमी में सहायक सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में तो 700 के ऊपर तो कल ही हो गए थे एक्टिव केसेस, जो कि लगभग एवरेज 100 केस के आसपास एवरेज रहता है पर डे, इतने केसेस निकल रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम तो फील्ड में सभी जगह हो रहा है, अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसमें सभी जगह पे दो दो मिनिमम टीम बनी हुई है सभी ब्लॉक्स में, और कहीं कहीं पे तीन चार टीमें भी हैं। तो सभी जगह जहाँ पे भी केसेस पॉजिटिव निकलते हैं धनात्मक, उनको 48 घंटे के अंदर उनको उनकी पहचान हो जाती है तथा सैंपल ले लिया जाता है और सैंपल लेके वापस लैब में भेजा जाता है। साथ में उस जो घर हैं वहाँ पर विसंक्रमण किया जाता है, सैनिटाइजेशन किया जाता है। एकीकृत कोविड कमांड सेंटर जो पेशेंट्स निकलते हैं और डेली पेशेंट कहाँ पर एडमिट होना है या उनको पेशेंट को जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनको होम आइसोलेशन देना है, तो इसका एक प्रोसेस है, गाइडलाइन है, उसके आधार पर पेशेंट को होम आइसोलेशन दिया जाता है या फिर अगर उसको कोई सिम्टम्स हैं तो उनको फैसिलिटी में एडमिट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से कॉन्टेक्ट किया जाता है कोविड कमांड सेंटर से सभी पेशेंट्स को कि उनका उनका तबीयत, उनका स्वास्थ्य कैसा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा हुई थी, रविवार को सामूहिक रूप से बंदी रहेगी और बृहद सैनिटाइजेशन सफाई रहेगी। आज नगर पालिका हमीरपुर द्वारा फायर ब्रिगेड गाड़ी और नगर पालिका टैंकर और 15 पिट्ठू मशीनों के माध्यम से पूरे नगर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और सफाई अभियान बृहद स्तर से चलाया जा रहा है। कोई ऐसी गली न होगी जहाँ पर सैनिटाइज ना हो, सफाई ना हो।